नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति महावर है। मैं नोवा कलकत्ता IVF में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। कई बार महिला हम लोग के पास में आती हैं जिनको प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हुआ होता है। आइए डिस्कस करते हैं इसमें चांसेस और इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम लोग के पास में क्या क्या हैं। प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर का मतलब है कि 40 साल की उम्र से पहले महिलाओं की ओवरीज काम करना कम कर देती है। इसमें महीना जो है वो अनियमित हो जाता है, ब्रेन्स में हार्मोन FSH LH का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और एस्ट्राडियोल की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। अचानक गर्मी लगना, पसीना, चिड़चिड़ापन, बोन्स कमज़ोर होना। USG में ओवरीज छोटी दिखाई देती है और अंडे कम दिखाई देते हैं। ये ऑलमोस्ट मेनोपॉज से मिलता जुलता है, किंतु प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में कुछ ओवेरियन एक्टिविटी जो है वो संभव है। इसके कारणों में जेनेटिक, ऑटो इम्यून, रेडियोथेरेपी, कैंसर, धूम्रपान जैसी समस्या हो सकती है। ट्रीटमेंट ऑप्शन में सबसे पहले सिम्टम्स को कमाने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है और दूसरा अगर फर्टिलिटी की समस्या है तो काउंसलिंग की जाती है। ऐसे में कभी कभी नेचुरल प्रेगनेंसी के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ ओवेरियन एक्टिविटी संभव होती है। सेल्फ IVF का भी ऑप्शन है, किंतु कभी कभी इसमें मल्टीपल साइकिल्स भी लग सकती है। IVF अगर डोनर एग्स के साथ करते हैं तो इसका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। एग फ्रीजिंग, ये एक बहुत कॉमन तरीका है और बहुत कारगर तरीका है, जिसमें महिला समय रहते हुए अपने हेल्दी एग्स को मेडिकल सुपरविजन में स्टोर कर सकती हैं और जब वह माँ बनना चाहती हैं तब उन एग्स को फर्टिलाइज करके भ्रूण बना के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इंट्रा ओवेरियन PRP, ये एक नई अप्रोच है जिसमें कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को ओवरीज में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। इसमें काफ़ी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिसमें ओवेरियन टिश्यू को एक्टिवेट करने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी, इन विट्रो एक्टिवेशन, ये कुछ नई ट्रीटमेंट पद्धति हैं जिसमें अभी काफ़ी अच्छे तरीके से काम चल रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। धन्यवाद।